वेलकम टू टॉप 7 न्यूज ऑफ द डे, जिसमें टीवी का तड़का आपके लिए लेके आया है सेलिब्रिटीज और ड्रामा से जुड़ी 7 छोटी बड़ी खबरें। अगर आप रोजाना की 7 छोटी बड़ी खबरें जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें टीवी का तड़का यूट्यूब चैनल। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। आज है 22 जुलाई। टॉप 7 ऑफ द डे में से पहली टॉप न्यूज, फिरोज खान पर जब लगे थे इल्जाम कि उन्होंने किया है अपनी वाइफ को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर, जिसमें काफी सारे एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स ने अपनी आवाज उठाई थी, जिनमें से एक शर्मीनो बैद भी थी, जिन पर फिरोज ने वापस डिफेम करने का केस कर दिया था जो काफी लंबे अरसे से चला आ रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रिसेंटली फिरोज खान ने न्यूज शेयर की है जिसमें उन्होंने कहा है, आई वुड लाइक टू लेट गो ऑफ शर्मीनो बैद केस, मैं उनको इस केस को खत्म कर देना चाहता हूँ। वुड लाइक टू लेट गो ऑफ शर्मीनो बैद केस आल्सो I have learned freedom is a bliss. Ya Allah merciful, you are no one would even feel it. Jitna Allah meherban hai, utna koi mehsoos bhi nahi kar sakta hai. Kaafi sare log khush ho rahe hain ki chalo Firoz apni zindagi mein aage badh raha hai aur pichle jitne bhi problems the unko wahi par chhod raha hai. Aapko ye jankar kaisa laga ki Firoz ne usko maaf kar diya? To apne raaye comment mein batana na bhuliyega. TV ka tadka dusri top news. Nadia Jameel ne share kiya ek bada sa Twitter par note jisme unhone ki hai Sabina Farooq ki acting की तारीफ और ड्रामा में उनकी जो भी उन्होंने एक्टिंग और करेक्टर प्ले किया है उसकी, और बहुत ही अच्छे वर्ड्स उन्होंने सबीना के लिए यूज किए हैं, जिस पर रिप्लाई कर सबीना ने कहा है, वेट व्हाट, नादिया जमील जस्ट रॉट स्टैंडिंग एविक्शन, आई एम स्टिल इन डिसबिलीफ। बहुत 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 शुक्रिया नादिया जी। उन्होंने वापस उनको काफी हैरानी से जवाब देकर कहा है कि आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने मेरी एक्टिंग, मेरे काम को इतना ज्यादा पसंद किया। नादिया जी, अगर आप ड्रामा काबली पुलाव देख रहे हैं तो वहां पर आपको सबीना फारूक का करेक्टर कैसा लग रहा है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। दिन की तीसरी बड़ी टॉप न्यूज, हिबा बुखारी का आएगा एक बहुत ही जल्द नया प्रोजेक्ट उर्दू फ्लिक्स के साथ, जिसकी खुद उन्होंने पिक्चर को शेयर किया है जिसमें वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती दिखाई दे रही है। जैसे ही उनके फैंस को ये मालूम हुआ है की फरहान सईद के साथ उनका ड्रामा जो के सरकार के साथ साथ अब उनका एक बहुत जल्द नया प्रोजेक्ट भी आने वाला है। उर्दू फ्लिक्स के साथ उनकी ये एक वेब सीरीज होने वाली है जिसमे हम आपको बताएंगे की सीबी अरसलान नसीर उनके साथ मेन लीड में नजर आने वाले हैं। अरसलान नसीर और हिबा बुखारी की जोड़ी को दिखाया जाएगा उस वेब सीरीज में। अभी तक उसका नाम कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, और जैसे ही ऑडियंस को सीबी अरसलान नसीर के और हिबा बुखारी के फैंस को पता चला है कि ये दोनों एक्टर एक साथ आ रहे हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जहां पर खबरें थी कि ये न्यूज फेक है, वो नहीं आ रहे हैं एक साथ, इस पर भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन हो गई है, खुद सीबी अरसलान नसीर ने की है ये न्यूज। उन्होंने शेयर कर नीचे लिखा है, या दिस इज हैपनिंग एज वेल गाइज, ये भी हो रहा है गाइज, सी यू ऑल प्रीटी सून, आपको मिलते हैं बहुत ही जल्द। जिससे ये तो कंफर्म हो गया है कि इन्हीं दोनों की जोड़ी को दिखाया जाने वाला है, जो कि खुद एक्टर ने इस पर मोहर लगा दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये वेब सीरीज कितना कमाल कर पाती है ड्रामास की तरह या नहीं। अगर आप इन दोनों की जोड़ी को वेब सीरीज में देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो अपनी राय हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिन पर छाने वाली चौथी टॉप न्यूज, एक्ट्रेस माया अली ने शेयर की एक क्यूट सी बहुत ही प्यारी वीडियो जिसमें एक छोटी बच्ची कुरान पाक की तिलावत कर रही है, और उन्होंने नीचे लिखा है, मैं कुर्बान जाऊँ माशाल्लाह, और ऑडियंस जो उनको ये देख रही है वो भी खूब पसंद कर रही है, और माया की खूब तारीफें हो रही हैं। किसी तरह का चाचा कंटेंट आप शेयर किया करें, आप पब्लिक फिगर हैं, आपको लोग देखते हैं और कुछ सीखते हैं, जिस पर काफी सारे लोग खुश हो रहे हैं माया की ये वीडियो शेयर करने पर, वहीं पर बच्ची की भी खूब तारीफें हो रही हैं। टीवी का तड़का पांचवीं बड़ी टॉप न्यूज, एक तरफ फरहत की बदतमीजी और दूसरी तरफ अजरा की चलाकियां, कैसे कर पाएंगी बेबी बाजी अकेले दोनों बहुओं का मुकाबला। ड्रामा बेबी बाजी जो कि रात 7 बजे लगाया जाएगा, ऑडियंस ये ड्रामा बेहद पसंद कर रही है। ड्रामे की कहानी ऑडियंस अपने साथ इतना रिलेट कर रही है कि सारे सारे घर वाले बैठ ये ड्रामा देखते हैं, क्योंकि ड्रामे की कहानी हर घर की कहानी बन चुकी है। अगर आप भी बेबी बाजी ड्रामा देखते हैं तो आपको क्या लगता है कैसे करेंगी वो दोनों बहुओं का मुकाबला? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टॉप 7 ऑफ द डे में से छठी टॉप न्यूज, सोनिया हुसैन की हुई बर्थडे, उनकी बर्थडे पार्टी से काफी ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत एक्ट्रेसेस की भी पिक्चर्स सामने आई हैं, जहां पर शामिल थी सोनिया हुसैन के साथ बार्बी के कॉस्ट्यूम में हानिया आमिर, रमशा खान को भी देखा गया उनकी सालगिरह के मौका पर। वहीं पर बड़े एक्टर इकरा अजीज और उनके शौहर यासिर हुसैन को भी उनकी पार्टी में देखा गया, और जावियर नुमान की भी खूब पिक्चर्स वायरल हो रही हैं। आपको
सोनिया हुसैन की ये बर्थडे आउटफिट कैसी लग रही है कमेंट कर जरूर बताइएगा। सातवीं और आखिरी बड़ी टॉप न्यूज, इकरा अजीज ने अपने शोहर यासिर हुसैन के साथ एक क्यूट सी पिक्चर को शेयर किया है और इस पे उन्होंने लिखा है आई नीड यू टू थिंक अबाउट मी, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में सोचो 23/7 23 घंटे हफ्ते के 7 दिन मेरे बारे में सोचते रहो। You get one hour for yourself. 24 घंटे इसलिए नहीं, एक घंटा तुम्हारे लिए है जिसमें तुम खुद अपने बारे में सोचो। ऑडियंस को उनका ये ख्याल बेहद पसंद आ रहा है कि चलो वाइफ हर एक को चाहिए होता है उसके शोहर की अटेंशन। ऑडियंस उनके पिक्चर को बेहद पसंद कर रही है। ये थी आज की 7 छोटी बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीवी का तड़का।